अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टडी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स। इनमें मेन टॉपिक हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और इसी की बेस पे हम कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सबसे पहले हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, उसके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, उसके यूनिट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी क्या होता है, उसको भी डिफाइन करेंगे, उनके यूनिट को डिफाइन करेंगे एंड लास्ट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो आप इसी को रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम दोनों नेम देते हैं, हम इनको रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस के ही फॉर्मूला से, फिर उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर आएंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स हमने डिड्यूस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। हमने कहा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया। एक से इनवर्स रिलेशन में है और एक से डायरेक्ट रिलेशन में है, और उसके रिस्पेक्ट से हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी को जो है वो कन्वर्ट कर एक इक्वालिटी में चेंज किया था, और उस इक्वालिटी के रिजल्ट में वी हैड अ कांस्टेंट दैट इज रेजिस्टिविटी। तो इस रेजिस्टिविटी को अभी हमने देखना है। इसी रेजिस्टिविटी को बेसिकली हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक मीन खास जो है काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स होता है। आपके जो कंडक्टर्स हैं उन सब की जो आप ये कह सकते हैं कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ऊपर ये बेस करता है, स्पेसिफिक होता है। वैसे तो रेजिस्टेंस सिंपल है, हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट कि इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करंट होता है। लेकिन रेजिस्टिविटी स्पेशली क्या होता है, ये स्पेशल होता है हर एक कंडक्टर के लिए, हर एक मेटल के लिए और इसी तरह इंसुलेटर सबके लिए। तो रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी मटीरियल की, वो उसका अपना पर्सनल रेजिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर उसका इंटरनल होता है, उसके एटम्स की अरेंजमेंट कैसे है, वो क्लोजली पैक्ड हैं, वो एक दूसरे से अवे हैं, उन सब के ऊपर ये डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। सो आपके पास जो है वो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम यहीं से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से ही। अभी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, और ये उसका स्पेशल होता है, हर एक के लिए डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है। अगर यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम फाइंड आउट करें तो इसको यहीं पे रहने दें, बाकी की इक्वेशन आप सॉल्व करें। जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, इसमें एरिया डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा रेजिस्टेंस के साथ। इसी तरह लेंथ जो है वो रेजिस्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वी विल गेट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाय एल, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो सबसे पहले अगर आप उसको इस तरह के जर्नल टर्म्स में, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर 1 मीटर लेंथ लें, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लें, तो रेजिस्टिविटी बिकम्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस। सो वी कैन से दैट कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर ऑफ लेंथ हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, जैसे यहाँ पर आपकी इस फिगर में शो किया हुआ है। तो अगर हम इसको, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बोला कि इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर ये डिपेंड करती है, तो उसका यूनिट अगर हम देखें तो ये खास एक खास जो है वो रेजिस्टेंस होता है हर एक कंडक्टर का, ये बात। दूसरी बात, जैसे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। रेजिस्टेंस हमें पता है ओहम, उसका यूनिट है एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ मीटर है। तो ओहम मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर बनेगा हमारा यूनिट। यहाँ पे मीटर मीटर स्क्वायर वाले मीटर से जो है वो कैंसिल होगा, तो वी विल लेफ्ट विद ओहम डिवाइडेड बाय ओहम मल्टीप्लाई बाय मीटर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आपके पास जो रेजिस्टिविटी होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट हैज अ यूनिट ओहम मीटर। तो बस आपने इसके बारे में मेन यही याद रखना है कि इट इज टेंडेंसी ऑफ द स्पेसिफिक मटीरियल, स्पेसिफिक कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टेंस जनरल टर्म है, वो हर एक चीज के ऊपर अप्लाई होती है। किसी भी चीज में अगर आपके पास हर्डल आ रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो वो उसका रेजिस्टेंस होता है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल की अपनी टेंडेंसी है, पर्सनल है, और हर एक मटेरियल की ये डिफरेंट होती है। एक तो यहाँ पर ये बात हमने अंडरस्टैंड करनी है, यही इस टॉपिक की मेन बात है। दूसरा, हम यहाँ पे एक टेबल देखते हैं, इस
टेबल में डिफरेंट मेटल्स दिए हुए, हर एक मेटल की यहाँ रेजिस्टिविटी दी हुई है जो कि डिफर कर रही है। अब इसमें सबसे अगर आप देखें यहाँ पर, सपोज हम सिल्वर और कॉपर को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो सिल्वर जो है वो लेस रेजिस्टर देन कॉपर है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है एज कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि ये बिल्कुल अपोज नहीं करता, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कम है। इसका रीजन क्या है कि सिल्वर का पर्सनल स्ट्रक्चर है, वो अपनी उसकी अपनी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, कॉपर की अपनी पर्सनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, तो सिल्वर जो है ऑफर लेस रेजिस्टिविटी एज कम्पेयर टू द कॉपर। हालांकि कॉपर को हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जितनी भी वायर्स हैं हमारे घरों तक आ रही हैं, जितनी भी हम ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव करवा रहे हैं, तो वो कॉपर वायर्स के थ्रू करवा रहे हैं, लेकिन कॉपर वायर जो है वो लिटिल हार्डर देन सिल्वर होता है। तो इस वजह से आप देखें कि हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी है, दैट मीन इट ऑल द मटेरियल्स हैव द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई ये सब एक दूसरे से चेंज है। और हम तीन यहाँ पे रिजल्ट कंक्लूड करेंगे, रेजिस्टिविटी फॉर एलिमेंट, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, उसमें वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हम बार बार मैं यहाँ पे मेंशन कर चुकी हूँ कि वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ऑन द नेचर ऑफ कंडक्टर। अगर आपका कंडक्टर मेटल है तो मेटल और एलॉयज जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, और इसी वजह से हम उन्हें कहते हैं कि दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दे आर बेस्ट कंडक्टर्स। रीजन ये होता है कि दे ऑफर वेरी लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन आपके पास जो रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। उसका रीजन ये होता है कि उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, तो आपके जो कंडक्टर सॉरी इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर होता है वैसा होता है कि वो लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो बिल्कुल ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउ नहीं करता। इस वजह से जैसे वुड है, प्लास्टिक है, मटेरियल, ये सारे इंसुलेटर हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो हमें पता है कि सेमी कंडक्टर मटीरियल दे आर समटाइम इंसुलेटर और दे आर समटाइम कंडक्टर्स, तो सेमी कंडक्टर्स का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट होता है, ये दे लाइज बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर का जो टेम्परेचर बेस्ड बिहेवियर है वो चेंज होता है इनका, लेकिन ये भी इनकी भी रेजिस्टिविटी वेरी करती है, इनका जो है वो इंटरमीडिएट इनका बिहेवियर होता है एज कम्पेयर टू आपके पास कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्योंकि उन दोनों में बिल्कुल क्लियर कट होता है कि किसमें आपकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी, लेकिन सेमी कंडक्टर का बिहेवियर चेंज होता रहता है विद इन द टेम्परेचर। नेक्स्ट हम एक टर्म देखेंगे यहाँ पे कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का अगर मैं मीनिंग यहाँ पे खोलूँ तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स कैन पास थ्रू सर्टेन एरिया या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन पास थ्रू सर्टेन एरिया इज नोन एज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है वो भी बेसिकली पास ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड कंडक्टेंस, ठीक है, और इसे रिप्रेजेंटेड बाय जी ओवर हियर। और इसको अगर हम कह रहे हैं कि इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि ये इनवर्स है आपके रेजिस्टेंस से। अगर ये इनवर्स है तो डेफिनेट मीनिंग है इसका कि आपके पास कंडक्टेंस किस तरह मटेरियल के अंदर जो है वो एक्ट करेगी इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज लेस, जैसे मेटल्स में है अभी डिस्कस कर चुके हैं तो कंडक्टेंस विल बी हायर, लेकिन जैसे इंसुलेटर है वहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, रेजिस्टेंस इज हायर इन इंसुलेटर सो कंडक्टेंस इज लेसर, दोनों में इनवर्स रिलेशन है, दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। अगर आपके रेजिस्टेंस किसी मटेरियल में ज्यादा है तो आपकी कंडक्टेंस कम होगी, लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ये ऑब्वियस है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दी इंसुलेटर की और कंडक्टर की, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसका अगर यूनिट देखें तो ये बनेगा 1 बाय ओहम, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ द यूनिट भी बन जाएगा, तो पर ओहम को हम मोह बोलते हैं एंड इट इज स्पेड बैकवर्ड, जैसे आपके पास ओ एच एम ओहम होता है इसको मोह लिखते हैं हम कंडक्टेंस के यूनिट को, और इसे सीमेंस भी न्यू इसकी प्रैक्टिस है उसको सीमेंस भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। सो जस्ट आपने माइंड में रखना है कि कंडक्टेंस इज ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू सर्टेन स्ट्रक्चर्स, उनकी क्या नेचर है, मतलब वो कितनी ज्यादा पास कर सकेंगे कितने नहीं कर सकेंगे, वो भी अगेन आपके कंडक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके उनके रेजिस्टेंसेस जो है वो डिसाइड करेंगे कि उनके अंदर से कंडक्टेंस कितनी होगी आपके इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट हम टर्म पढ़ेंगे कंडक्टिविटी माइनस द डिफरेंस है आपके कंडक्टेंस में एंड कंडक्टिविटी में, एक जो है वो रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली बेस करता है और दूसरा रेजिस्टिविटी पे। अभी हमने डिटेल में पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक स्पेशल रेजिस्टेंस या
एक खास किस्म का रेजिस्टेंस होता है जो कि अपने मटेरियल टू मटेरियल, कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करता है. तो आपके पास कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बोलकर बताया था कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनता है आर ए बाय एल. तो ये क्योंकि हम कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आर ए बाय एल को जब हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो ये सॉल्व होकर एल बाय आर ए बनेगा. मीन्स आपके पास लेंथ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इनटू एरिया. अब इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेट सपोज हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक जो है उसको आप ए बोलो, उसमें लेट सपोज नंबर ऑफ एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. लेट सपोज अदर कंडक्टर है उसमें देयर आर स्पेसेस बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स. तो क्या होगा, एक आपके कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली पास हो जाएंगे, उसको वाइब्रेशंस जो है वो कम फेस करनी पड़ेंगी, और एक कंडक्टर में से उसको जो है वो हर्डल या रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. तो दैट्स मीन मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टिविटी जैसे बेस करती है, तो डिफरेंट कंडक्टर में डिफरेंट रेट होगा आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टिविटी और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. तो आपके जो मटेरियल्स हैं कंडक्टर्स हैं उनके अगेन उनकी नेचर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, कंडक्टेंस उसके ऊपर बेस करती है. अगर हम इसका यूनिट देखें तो यहाँ 1 बाय आर ए बनता है. एक रिलेशन जो ऊपर अभी हमने पढ़ा, 1 बाय आर ए को हमने नेम दिया सीमन और मोह का. तो एक तो मोह इसमें ऐड हो गया इसके यूनिट में, फिर एल बाय ए है तो मीटर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर बनता है. तो मीटर एंड मीटर स्क्वायर में कैंसिलेशन होगी तो 1 बाय मीटर, सो पर मीटर 1 बाय आर 1 बाय ओम बना, पर ओम मोह पर मीटर. तो ये इसका यूनिट कैलकुलेट हो गया, और मोह को हम सीमन भी बोलते हैं न्यू प्रैक्टिस, तो सीमन पर मीटर आ जाएगा. तो इम्पोर्टेंट दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हमने यहाँ की, कंडक्टिविटी की और कंडक्टेंस की. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो सबसे पहला जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसमें पॉइंट हमारा होता है कि किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है विद इन द चेंज इन टेम्परेचर. बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुकी है इस पॉइंट पे कि सपोज आपकी ये एटम्स की रो है किसी भी मटेरियल के अंदर, तो अगर आप इसके एटम्स के 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये एटम्स हैं तो डेफिनेटली इनकी वाइब्रेशंस बहुत ही माइन्यूट या ना होने के बराबर होंगी. अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करेंगे तो वो आराम से पास हो जाएंगे. लेकिन सपोज थोड़ी देर के बाद आपने 0 डिग्री टेम्परेचर को 20 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, बढ़ा दिया. जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है कि आपके एटम्स की जो है वो थर्मल इनर्जी बढ़ती है, उनकी थर्मल इनर्जी बढ़ जाती है तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया. तो जैसे ही वाइब्रेशंस आपकी इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स को. उनके पैसेज में पहले जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर बिल्कुल ही वाइब्रेशंस नहीं थी, वो आराम से गुजर रहे थे, अब उनको बार बार कोलिजन फेस करने पड़ेंगे. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ कोलिजन्स बिटवीन एटम्स ऑफ द सब्सटेंस और आपके पास बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेट बढ़ जाता है कोलिजन का, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, मीन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को. और ये भी डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, आपका कंडक्टर कैसा है उसके ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का. तो इंटरेस्टिंग बात ये है आपके पास कि आपके हालांकि मेटल्स जो हैं दे आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट मेटल्स के साथ क्या इश्यू है कि मेटल के एटम्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके आउटर जो शेल्स होती हैं. तो जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलती है वो सारे जो है वो मूव ऑन हो जाते हैं, आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं. तो मेटल्स के अंदर जो है वो वाइब्रेशंस बढ़ जाती है. सो दैट्स व्हाई प्योर मेटल जैसे कॉपर एल्युमिनियम, इनका जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है. सो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है फॉर द फेयरली रेगुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर उसमें रेजिस्टेंस में भी चेंज आता है. तो मेटल्स में जो है वो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है विद इन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. बट ऑपोजिट टू दैट आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आप उसे कह सकते हो जैसे आपको पता है आपके केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा उसमें आपके पास सॉल्यूशंस के अंदर जो आपके होती है आयनाइजेशन उसमें इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन का जो प्रोसीजर है. तो इलेक्ट्रोलाइट ऑन द होल वैसे आपके पास जो है वो लोअर टेम्परेचर के ऊपर ये एज अ रेजिस्टिव मटेरियल बिहेव करते हैं, इंसुलेटर भी और सेमी कंडक्टर भी. लेकिन जैसे ही आप इन सबका टेम्परेचर बढ़ाते हो ये ऑपोजिट टू मेटल बिहेव करते हैं विद इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर इनका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है.
बिकॉज इनकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो स्पेस क्रिएट में हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस इनका डिक्रीज होता है. तो ये आज का टॉपिक था, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. बहुत इजी सा है, बस आपने मेन फॉर्मूला याद रखने हैं, फॉर्मूला आ जाएंगे तो यूनिट भी आप आराम से कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.